नमस्कार, बस्तर की बात में मैं अमृता ध्रुव आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना से बचने का सबसे सुरक्षित उपाय है मास्क लगाएं, दो गज की दूरी बनाए रखें और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा है वे अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं। दर्शकों से हमारी यही गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल साइंस के लिए आश्चर्यजनक वाक्या, 13 वर्षीय बच्ची के शरीर में मिले दो गर्भाशय। गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 6 वाहन जब्त, खनिज जांच दल ने किए अवैध उत्खनन के 13 प्रकरण दर्ज। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहा साप्ताहिक बैठक करें शुक्रवार को। और 34 स्टाफ नर्स पदोन्नति के बाद बने नर्सिंग सिस्टर। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के शरीर में पाए जाने वाला गर्भाशय एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे किसी महिला को मां बनने की संपूर्णता प्राप्त होती है और सृष्टि में एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। सामान्य तौर पर सभी महिलाओं में केवल एक ही गर्भाशय होता है, किंतु कभी कभी उसी गर्भाशय में विभिन्न विकृतियां उत्पन्न हो जाती है और गर्भाशय का स्वरूप आकार प्रकार बदल जाता है। कुछ इसी तरह का एक केस पिछले दिनों देखने में आया। विगत 22 फरवरी को कोटपाड़ इलाके में से एक 13 वर्षीय बच्ची प्रत्येक माह मासिक धर्म ना होने और उस दौरान दर्द की समस्या लेकर जगदलपुर नगर के एक निजी डायग्नोसिस सेंटर में आई। सोनोग्राफी जांच के दौरान डॉक्टर मनीष मिश्राम द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि मरीज के शरीर में दो गर्भाशय है जिसे चिकित्सीय भाषा में गर्भाशय डाइडेल्फिस कहते हैं। डॉक्टर मिश्राम ने यह भी पता लगाया कि मरीज के मासिक धर्म के रक्त प्रवाह की नलिका भी अवरुद्ध हो चुकी है, जिसके कारण नलिका में एक बड़ा सा रक्त का थक्का जमा हुआ है, जिससे कि मासिक धर्म के दौरान रक्त प्रवाह न होने और दर्द के कारणों का पता चल सका। प्राकृतिक रूप से यह बहुत ही विरल पाए जाने वाली विकृति है। बहरहाल इस किशोरी का इलाज चल रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा के मार्गदर्शन में जिला खनिज जांच दल द्वारा 26 फरवरी को जिले के जगदलपुर, पल्लीनाका, डिमरापाल और केशलूर क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज रेत का एक वाहन और चूना पत्थर के 5 वाहन अवैध परिवहन करते पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। अवैध परिवहन के कुल 6 प्रकरणों को बिना वैध अभिवहन पास के चालकों द्वारा खनिजों का परिवहन करते पाए जाने पर खनिजमय वाहनों को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के ग्राम गरावन, खुर्द, तुरेनार, बाबू सेमरा, लामनी, कलचा, बालीकोंटा और मोरटपल्ली में गौण खनिज मिट्टी ईंट के अवैध उत्खनन के कुल 13 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सभी प्रकरणों में दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस वर्ष अब तक हुई कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत शेरपा ने बताया, हमारे खनिज जांच दल ने इस वित्तीय वर्ष में कुल 17 प्रकरण अवैध उत्खनन के दर्ज किए हैं, इसमें से 12 निराकृत हो गए और उसमें 3,68,000 रुपए जमा हुआ है फाइन के रूप में, जिसमें 12 निराकृत है, शेष सभी प्रक्रियाधीन है। और अवैध परिवहन के 170 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें 156 प्रकरण जो निराकृत हो गए हैं और उसमें फाइन के रूप में 22,39,000 रुपये राशि जमा हुआ है। और अवैध भंडारण के 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं रेत के, जिसमें 51,150 रुपये अर्थदंड जमा किया गया है। और टीम सतत निगरानी कर रही है ताकि जिले में कोई अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण संबंधी कोई रोकथाम के लिए सतत निगरानी कर रही है टीम। आगामी 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिवालयों के साथ ही नगर के ऐतिहासिक दलपत सागर के बीचों बीच स्थित शिव मंदिर की भी रंगाई पुताई की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसे ध्यान में रखते हुए भी निगम प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। मंदिर के चारों ओर जाले लगाए जा रहे हैं और सीढ़ी में भी मरम्मत कर दी गई है। वर्तमान में मंदिर और पूरा परिसर काफी आकर्षक लगने लगा है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए निगम द्वारा मोटर बोट और नाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह हमारे बस्तर का ऐतिहासिक दलपत सागर है और जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष शिवरात्रि के समय में यहाँ मेला सा माहौल रहता है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और इस वर्ष खास करके आप देखेंगे हमारे नगर निगम प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा दलपत सागर को काफ़ी सुंदरता प्रदान किया गया है। साथ ही जो दलपत सागर के बीच में स्थित शिव मंदिर है उसको भी सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है।
प्रतिवर्ष दलपत सागर के मध्य में स्थित महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है, उसे देखते हुए इस वर्ष क्या व्यवस्था की गई है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी शिव मंदिर जो है दलपत सागर में स्थित उसके आइलैंड में खड़े हैं, और आप पीछे देख सकते हैं कि हमारा जो मंदिर लगभग 150 से 200 साल पुराना है, ऐतिहासिक मंदिर है। और हम लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो जगदलपुर शहर में जो विरासत स्थल है, जैसे हमारे पास टाउन क्लब, लाइब्रेरी, मंदिर है, बस्तर आर्ट गैलरी, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और ये जो हमारा शिव मंदिर है, इनको हम लोगों ने टारगेट में लिया है कि हम विरासत को बचाकर उसको अच्छे से संरक्षित करेंगे और पर्यटकों के लिए और हमारे शहर के लोगों के लिए खोलेंगे। उसी के कड़ी में हम जिस आइलैंड में है, ये धीरे धीरे इस आइलैंड का क्षरण हो रहा था, ये छोटा होते जा रहा था, इसको हम लोग वापस से उसको बंट बनाकर अच्छे से इसको संरक्षित कर रहे हैं। साथ में पीछे जो मंदिर है उसमें क्रैक्स और कुछ कुछ कमियां थी, उसको पूरा करके हम उसको आज अच्छे से उसको जीर्णोद्धार करके पेंट पोताई करके बहुत अच्छा उसको कर रहे हैं। और 1 तारीख को जब महाशिवरात्रि रहेगी तो पब्लिक के लिए इसको खोला जाएगा, और निश्चित ही मुझे लगता है कि इसके जीर्णोद्धार होने से शहरवासियों को और बस्तरवासियों को एक नई सौगात है हमारे जिला प्रशासन, नगर प्रशासन की ओर से दी जा रही है। आने वाले समय में इस पूरे दलपत सागर में भी देख सकते हैं आपकी काम चल रहा है, उसे भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। और एक जो एक अच्छा जो झील या तालाब होता है, जैसे कि हुसैन सागर है, डल झील है, या भोपाल का भोजताल है, उसी तर्ज में हम दलपत सागर को भी एक अच्छा ऐतिहासिक और सुंदर तालाब के रूप में विकसित कर रहे हैं, उसी के कड़ी में ये पूरा कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने शासन के आदेशानुसार माह के सभी शनिवार अवकाश होने के कारण सेक्टर बैठक और रिपोर्टिंग का कार्य शुक्रवार करने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी राजन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग के साथ कोरोना टीकाकरण से संबंधित राशि की मांग रखी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माह के सभी शनिवार को मंत्रालय विभाध्यक्ष और समस्त फील्ड वर्कर्स की उत्पादकता और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के लिए अवकाश घोषित किया है, जिसके परिपालन में सीएमओ और बीएमओ कार्यालय में समस्त कर्मचारी को लाभ प्राप्त हो रहा है। उनकी मांग है कि फील्ड वर्कर की साप्ताहिक बैठक और रिपोर्टिंग कार्य शुक्रवार को ली जाए, ताकि कर्मचारियों की उपस्थिति में रिपोर्टिंग सेक्टर से ब्लॉक कार्यालय और ब्लॉक से जिला कार्यालय को कार्यालयीन समय में प्रेषित किया जा सके। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को फील्ड वर्कर्स द्वारा अपने शासकीय कार्य को संपादित कर कोरोना दिशा निर्देश का पालन करते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। संघ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य संयोजकों, पर्यवेक्षकों और बीटीओ की कार्यक्षमता और उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए शासन के आदेशानुसार लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से सभी ब्लॉकों के खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी करने की बात कही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर जिला प्रशासन के देखरेख में युवोदय के स्थानीय युवा शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न समारोह और खेलकूद की गतिविधियां संचालित करते हैं। इसी क्रम में शनिवार को तोकापाल विकास खंड के हायर सेकेंडरी स्कूल केशलूर में विभिन्न आयोजन किए गए। ग्रामीणों के बीच खेल गतिविधि के साथ साथ शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी विभाग के प्रतिनिधियों ने दी। इसके साथ ही CRPF 241 बटालियन सेड़वा के अधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह और छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से समझाया। इस आयोजन में ग्राम केसलूर के साथ साथ सोसनपाल डिमरापाल के विद्यार्थी और ग्रामीण भी उपस्थित थे। शासन के विभिन्न विभाग में प्रमुख रूप से जिला व्यापार और उद्योग केंद्र जगदलपुर की असिस्टेंट मैनेजर लक्ष्मी यादव ने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जन समूह को बताया। कृषि विभाग के REO अमित बिसाई ने विभाग से संबंधित योजनाओं से परिचित कराया। कार्यक्रम का मंच संचालन तोकापाल के सेना भर्ती नोडल अधिकारी विधु शेखर झा ने किया। विगत कई वर्षों के बाद मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के स्टाफ नर्सों को पदोन्नत किया गया। शनिवार को यहां सीनियर मैटर्न कैंप सेरेमनी का आयोजन हुआ। कैंप और बैच लगाकर नर्सिंग सिस्टर के रूप में पदोन्नत हुए स्टाफ नर्सों को सम्मानित किया गया। पदोन्नति के लिए डीन से लेकर अधीक्षक ने सभी को बधाई देते हुए नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। शनिवार की दोपहर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में यहां पदस्थ सीनियर स्टाफ नर्सों के अलावा अन्य जगहों पर लंबे समय के काम कर रही 362 स्टाफ नर्सों की भी पदोन्नति हुई। सभी स्टाफ नर्स पदोन्नति के बाद नर्सिंग सिस्टर के पद पर कार्यरत होंगे। शनिवार को मेकाश के हॉल में पदोन्नत 34 स्टाफ नर्सों का कैंप सेरेमनी के साथ ही बैच लगाकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में डीन डॉक्टर US पैकरा और अधीक्षक डॉक्टर टीकू सिन्हा के अलावा कई वरिष्ठ चिकित्सक और अन्य स्टाफ मौजूद थे। स्थानीय सीरासर चौक के पास स्थित पुरातात्विक संग्रहालय में बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली ऐतिहासिक मूर्तियों के साथ अनेक कलाकृतियों और पारंपरिक वस्तुओं का संग्रहण किया गया है। इन सभी को प्रदर्शित करने के लिए गैलरी का निर्माण कर रहे हैं। इन्हें सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया ताकि जो भी पुरातात्विक संग्रहालय देखना चाहें और उन्हें बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में जानकारी लेना चाहें वह इसका आसानी से अवलोकन कर सके। संग्रहालय में रखी गई मूर्तियों की संख्या 50 से अधिक है और इनमें 14 मूर्तियां केवल उमा महेश्वर की है जो बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई है। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल साइंस के लिए आश्चर्यजनक वाक्या, 13 वर्षीय बच्ची के शरीर में मिले 2 गर्भाशय। गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 6 वाहन जब्त, खनिज जांच दल ने किए अवैध उत्खनन के 13 प्रकरण दर्ज। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहा साप्ताहिक बैठक करे शुक्रवार को। और 34 स्टाफ नर्स पदोन्नति के बाद बने नर्सिंग सिस्टर। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।